हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्विंस मामा। मैं हूं मधु, पेशे से एक फिजियोथेरेपिस्ट, और आज आपको बताने वाली हूं आपकी गर्भावस्था में कभी कभार एक ऐसी परेशानी होती है जिसमें हाथ बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं और हाथ की मुट्ठी वगैरह थोड़ा कमजोर बनता है जैसे, और आपको हो सकता है कि हाथों में झनझनाहट भी महसूस हो। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, तो हो सकता है आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि अगर दर्द आपके कंधे से होते हुए नीचे हाथ तक आ रहा है तो कुछ और कंडीशन भी हो सकता है। इसलिए जो भी मैं आपको टिप्स एंड एक्सरसाइजेस बताऊंगी इस वीडियो में, उसको करने से पहले अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इधर आपके डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से एक बार सलाह जरूर ले लें। ये देखिए, ये है कार्पल टनल। रिस्ट के पास एक छोटा सा टनल जैसा कुछ रहता है जिसके थ्रू मसल्स के टेंडन्स और ये एक नर्व जिसे मीडियल नर्व कहते हैं, ये गुजरता है, और ये काफी पतला सा टनल होता है। मीडियल नर्व आपके थंब, इंडेक्स, मिडिल और रिंग फिंगर के इस हाफ एरिया को, इस साइड के एरिया को सप्लाई करता है। नर्व्स का काम होता है आपके उस एरिया में स्किन को सेंसेशन देना, प्लस मसल्स को मोटार पावर देना। तो जब भी इस मीडियन नर्व की इस जगह पे कंप्रेशन हो जाती है, फिर क्या होता है, थंब, इंडेक्स, मिडल और हाफ ऑफ द रिंग फिंगर में सेंसेशन की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उस जगह आपको टिंगलिंग सा, नमनेस सा, झनझनाहट सा महसूस होता है, और इन सीवियर केसेस हो सकता है आपकी मसल्स की पावर भी कम हो जाए, मतलब इस साइड के मसल जो भी है वो थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। सो ग्रिपिंग जैसी एक्टिविटी, या फिर आपको शर्ट्स वगैरह बटन करने की जो एक्टिविटी है, या कुछ उठाने की जो एक्टिविटी है, ऐसे में महसूस होगा कि आपके हाथ का जो पावर है वो कम हो गया है। वैसे इतना सीवियर तो हो नहीं जाता प्रेगनेंसी के दौरान। कार्पल टनल सिंड्रोम वैसे भी होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में ये बहुत ज़्यादा आम होता है, बिकॉज आपके शरीर में हॉर्मोन्स की काफ़ी मात्रा बदल रही होती है और फ्लूइड बहुत ज़्यादा रिटेंशन हो जाता है, मतलब फ्लूइड की मात्रा, पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इस एरिया में एक दबाव पड़ता है और ये जो पतला सा टनल है, एक रास्ता है जिसके थ्रू मीडियन नर्व गुजर रहा है, वो और पतला हो जाता है और मीडियन नर्व पे एक दबाव पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि प्रेगनेंसी के दौरान ये आम है, ये कुछ और वजहों से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बंदा अगर अपने रिस्ट की बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करे, चाहे वो टाइप करते वक्त हो, या कोई स्पोर्ट्स खेलते वक्त हो, या महिलाओं में घर के काम करते वक्त हो, या फिर किसी ऐसे वर्कर के साथ भी ये हो सकता है जो कुछ वाइब्रेशन वाले मशीन्स यूज करता है। सो रीजंस काफ़ी हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में होने वाले कार्पल टनल सिंड्रोम का किस तरीके से महिलाएं मुकाबला कर सकती हैं। तो सबसे पहली बात है कि रिस्ट को, इस एरिया को हमेशा एक न्यूट्रल पोजीशन में रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए रात को स्प्लिंट्स का यूसेज किया जा सकता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है स्प्लिंट जो कि आपके हाथ को एक बिल्कुल ही न्यूट्रल पोजीशन में रखेगा, तो आपका रिस्ट आगे की तरफ भी नहीं मुड़ेगा, पीछे की तरफ भी नहीं मुड़ेगा, क्योंकि रात को सोते हुए कई बार रिस्ट ऑकवर्ड पोजीशन में चला जाता है। सो इसे रोकने के लिए इस नाइट स्प्लिंट का यूसेज किया जाता है। दूसरी बात है, सारे रिपीटेटिव मूवमेंट्स को आपको रोकने होंगे जिसकी वजह से ये सिम्टम्स हो रहे हैं। मतलब अगर आप कोई राइटर हैं, बुक्स लिखती हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए अभी। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल है और आप बहुत ज़्यादा कीबोर्ड का यूसेज करती हैं, तो एक प्रॉपर तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। कलम को पकड़ना या कीबोर्ड को यूज़ करने का एक सही तरीका आपको अपनाना चाहिए, जहाँ पे आपका ये पूरा फोरआर्म रेस्ट में हो। इसे लटका के, बस रिस्ट को ऑकवर्ड पोजीशन में रख के आप लिखिए भी नहीं, और या फिर इस तरीके से भी ना लिखें, एक प्रॉपर तरीके से थोड़े स्लैंटिंग सरफेस में आप लिखा करें, और कीबोर्ड भी यूज करने के लिए आप उस तरीके का एक सही अर्गोनॉमिक टेबल एक प्रॉपर हाइट में। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेस आपको जरूर करने चाहिए, मैं एक्सरसाइजेस आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से मुट्ठी बना लेना है, ठीक है, इस तरीके से हाथों को अपने सामने रखेंगे और रिस्ट को नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर, जिस तरीके से मानिए हम बाइक चला रहे हो या स्कूटर चला रहे हो, ये मूवमेंट आपको करना है 10 काउंट, 10 बार नीचे, 10 बार ऊपर, इससे थोड़ी सी वार्म अप हो जाएगी।
सेकेंड एक्सरसाइज में आपको अपने थंब को ऊपर की ओर रख के इस तरीके से एक मुट्ठी बनाना है और अब ऊपर और नीचे मूवमेंट करना है। इसे कहा जाता है रेडियल डेविएशन, अल्नार डेविएशन। इस मूवमेंट को भी आप अप एंड डाउन 10 बार कर सकते हैं। यहां मैं फिर से बता दूं, अगर आपका रिस्ट का पेन थोड़ा ऊपर तक आ रहा है तो हो सकता है ये कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो रहा हो, लेकिन अगर आपको यहां से कंधे से लेकर बिल्कुल ही रिस्ट तक पेन है और झंझनाहट है तो शायद रीजन कुछ और हो। शायद आपकी सर्वाइकल स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो या थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम हो। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से डायग्नोसिस करवा लेना चाहिए। इस वार्म अप के आगे आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। सो स्ट्रेचिंग दो ग्रुप ऑफ मसल्स की जाएगी, एक है ये रिस्ट फ्लेक्सर्स और दूसरा ग्रुप है ये रिस्ट एक्सटेंसर्स। तो जब आप रिस्ट फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप मुट्ठी इस तरीके से बंद करके अपने हाथ को इस डिरेक्शन में ऐसे खींच सकते हैं, इससे स्ट्रेचिंग होगी। या फिर आप इससे ज्यादा स्ट्रेच चाहते हैं तो अपनी उंगलियों को खोल के इस तरीके से स्ट्रेच कीजिए, आप ट्राई करके देख सकती हैं। और अगर इससे भी ज्यादा स्ट्रेच आप सह सकती हैं तो दूसरे वाले हाथ से इस तरीके से अपनी उंगलियों को अपनी ओर खींचे, ताकि इसकी वजह से आपको इस पूरे एंटीरियर ग्रुप ऑफ मसल्स में फोरआर्म के एक स्ट्रेच महसूस हो। इसे आप होल्ड करें, फिर रिलैक्स करें और फिर आप इसे रिपीट। होल्ड टाइम 30 सेकंड्स का होना चाहिए और रिपीटेशंस 3 टाइम्स होनी चाहिए। इसके अलावा आप रिस्ट एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग कर सकती हैं। इसके लिए उल्टी तरीके से इस तरीके से मुट्ठी बना के अपने हाथ को रखें और इस मुट्ठी को आप अपनी ओर खींच सकती हैं, या फिर उंगलियों को सीधा रख के भी अपनी ओर इस तरीके से और खींच कर आपको 30 सेकंड्स कैसे रखना है। 1, 2 इस तरीके से 30 तक आपको काउंट करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस पेस में 30 तक काउंट कीजिए, रिलैक्स। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा रेस्ट लेके 3 टाइम्स करना है। या फिर आप क्या कर सकती है, 30 सेकेंड आप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग करवाइए, रिलैक्स। 30 सेकेंड्स एक्सटेंसर्स की स्ट्रेचिंग करवाइए। इस तरीके से आप आगे की ओर जो फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल है फोरआर्म की और पीछे जो एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल है इनकी ऑल्टरनेट स्ट्रेचिंग भी कर सकती है। ज्यादातर पेशेंट्स को ये ज्यादा बेहतर लगता है कि वो ऑल्टरनेट फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल्स की स्ट्रेचिंग। इसके आगे आप कर सकती है प्रेयर स्ट्रेच। प्रेयर स्ट्रेच में आपको क्या करना होगा, इस तरीके से मानिए आप नमस्ते कर रही हो शुरू में। अब मैं तो आराम से कर रही हूँ, दर्द होगा तो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सो इस तरीके से हाथ को रख के धीरे धीरे आपको कोशिश करनी है कि अपनी कोहनियों को ऊपर की ओर लेकर आए और ऐसे नमस्ते करें। इसको मेंटेन करें 30 सेकेंड्स के लिए, मेंटेन किया और फिर रिलैक्स। इस तरीके से 3 बार आप इस एक्सरसाइज को भी कर सकती हैं। अगर इस एक्सरसाइज को करते हुए आपको ऐसा लगे कि नंबनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है या टिंगलिंग बढ़ गया है, फिर आप वहीं पे रुक जाइए, शायद आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं। सो शुरू आप इस पोजीशन से कीजिए और धीरे धीरे इसको नीचे और कोहनियों को ऊपर लाकर आपको इस तरीके से स्ट्रेच करना है। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रेच आपको करना चाहिए पेक्टोरालिस मसल्स के लिए। अब पेक्टोरालिस मसल काफी प्रॉक्सिमली होते हैं, ऊपर की ओर होते हैं। आपको रिस्ट में प्रॉब्लम है लेकिन ये पूरा एक चेन है, तो अगर आप अपने पेक्टोरालिस मसल को थोड़ा स्ट्रेच करेंगी तो इससे भी आपको काफी आराम मिलेगा। इसके लिए सबसे इजी वे ये है कि आप अपने हाथों को इस तरीके से पकड़े, क्लैस्प करना जिसे कहते हैं, लेकिन पीछे की ओर। ठीक है, पकड़ के फिर आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे पीछे की ओर खींचे और अपने अपर बॉडी को इस तरीके से आर्च करें कि चेस्ट बाहर की ओर आ रहा हो। इससे आपको अच्छा स्ट्रेच मिल जाएगा ऑफ द पेक्टोरालिस। नेक्स्ट मसल जिसका आप स्ट्रेचिंग कर सकती है वो है स्कैलिनस इंटीरियर। बहुत बार क्या होता है, जब ये मसल टाइट होता है तो आप थोड़ा सा इस तरीके से श्रग शोल्डर
रखते हैं, मतलब शोल्डर आपका थोड़ा ऊपर की ओर होता है, और ये भी रीजन हो सकता है कि इस एरिया से जो नर्व्स वगैरह निकल रहे हैं वो पिंच हो जाए और इसकी वजह से आपको झनझनाहट महसूस हो, शायद वो कार्पल टनल सिंड्रोम ना हो। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं आपके गर्दन के पास या आपके शोल्डर के पास, जिसकी वजह से आपको ये टिंगलिंग नंबनेस हो सकता है। तो अगर आपने अपने डॉक्टर से बात नहीं की है, इन स्ट्रेचेस को अगर आप करेंगी, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप कर सकती हैं, मे बी एक नहीं तो दूसरे स्ट्रेच से आपको आराम मिल जाए। तो एंटीरियर स्कैलिनी मसल के स्ट्रेच के लिए आपको क्या करना है, राइट साइड के मसल के लिए आप इस तरीके से अपने उंगलियों को क्लैविकल यानी कॉलर बोन के ऊपर रखेंगी, ठीक है, और फिर स्ट्रेच करने के लिए क्या करेंगी, दूसरे साइड उल्टे साइड लेफ्ट साइड मुड़ेंगी और ऊपर की ओर, ठीक है, इस जगह आपको एक स्ट्रेच फील होगा इस पूरे मसल में। 30 seconds तक होल्ड, फिर रिलैक्स 3 times, या फिर आप ऑल्टरनेट एक बार राइट एक बार लेफ्ट भी कर सकती हैं। लेफ्ट के लिए फिर इस जगह पे आप रखेंगी अपना हाथ, ठीक है, टर्न एंड देन लुक अप, 30 seconds होल्ड, फिर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रहा होगा, इस तरीके से अगर आप एक्सरसाइजेस करती हैं फिर आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की असुविधाओं से काफी हद तक एक रिलीफ मिलने वाला है। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए और टेंशन नहीं लेना चाहिए कि प्रेगनेंसी में जब भी कार्पल टनल सिंड्रोम होता है काफी हद तक आफ्टर डिलीवरी ये अपने आप ठीक हो जाता है, मतलब आपके बॉडी में जब फ्लूइड की मात्रा घटने लगती है अपने आप जो नर्व पे दबाव था वो हट जाता है और फिर आपके सिम्टम्स गायब हो जाते हैं। सो कहा जाता है फिजियोलॉजिकल कार्पल टनल सिंड्रोम होता है इन प्रेगनेंसी। उम्मीद करती हूँ वीडियो यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग रिलेटेड टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपने मेरे प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है एक बार जरूर कीजिए, उसमें काफी इंफॉर्मेटिव कंटेंट ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है जो आपकी इस प्रेगनेंसी के जर्नी को और आगे पेरेंटिंग को काफी स्मूदर बनाने वाला है। थैंक यू सो मच, काइंडली सब्सक्राइब।